नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आप सबका स्वागत करती हूँ कलर्स ऑफ किचन में। दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे बिना तेल का एक नाश्ता जो है इडली। आप सभी को पता है और इसे कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। इडली बनाने के लिए बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो है चावल और दाल। तो आप कोई भी चावल ले लीजिए 1.5 कप। दोस्तों, हमने 1.5 कप चावल डाला है तो 1/2 कप उड़द दाल डाल रहे हैं, यानी कि 3:1 का प्रपोर्शन है, और इसमें पानी डाल देते हैं। अब इसे 8 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे हम। अब 8 घंटे के बाद हमने इसे अच्छे से धो लिया है और इसे एक ग्राइंडर में डालते हैं। मिक्सी में पीसने के लिए हम 1/2 कप पानी डालेंगे तो यह अच्छे से पीस जाएगा। यह अच्छे से पीस चुका है, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। दोस्तों, पहले हम इंस्टेंट इडली बनाएंगे जो कि फटाफट बन जाता है। इसमें थोड़ा सा सोडा ऐड करना पड़ता है, इसमें हमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब इस बैटर में हम 1 पिंच सोडा ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चम्मच से। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करके मिक्स करेंगे। अब इस बैटर को हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए। अब जो बचा हुआ बैटर है उसे हम बिना सोडे की इडली बनाने वाले हैं, तो इसे फर्मेंट होने के लिए 10 घंटे के लिए रख देते हैं ढककर। हमने एक इडली स्टैंड लिया है। अब इसके बेस में हम 1.5 गिलास पानी डाल देंगे और गैस पर रख देंगे गर्म होने के लिए। अब इडली के फ्रेम को हम तेल से थोड़ा ग्रीस कर लेते हैं। हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। इसे इस तरह से ग्रीस कर लेंगे, नहीं तो फिर इडली कभी कभी चिपक सकती है, तो इसलिए ग्रीस कर लेने से सेफ हो जाते हैं इडली सारे। तो अच्छे से ग्रीस करने के बाद फिर हम इसमें इडली का जो बैटर है वो ऐड करेंगे। ये देखिए, 10 मिनट के बाद हमने इसे खोला है, ये थोड़ा फर्मेंट हो गया है। अब हम इसे चम्मच से फिर से एक बार थोड़ा मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथों से, और फिर 1.5 चम्मच के हिसाब से हम इसके फ्रेम में डालेंगे। ज़्यादा डालने से ये क्या ओवरफ्लो हो जाता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये पकते समय फूलता भी है, इसलिए हम 1.5 चम्मच ही डालेंगे। हम फ्रेम को सेट कर लेते हैं। हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें फ्रेम को डाल देंगे और ढक्कन से इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पर 12 से 13 मिनट के लिए पकाएंगे। 13 मिनट के लिए हमने इसे पकाया है और इसे अब उतार ली हूँ गैस से, और 2 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देते हैं और फिर इडली को हम निकालेंगे। देखिए, 2 मिनट हो गए हैं और थोड़ा ये ठंडा हो गया है, इसे छूने लायक हो गया है ये। तो अब हम एक चम्मच को लेंगे और इस तरह से उसके पिछले हिस्से से इडली को स्क्रैच करके निकाल लेंगे। सारे इडली को हमें इसी तरह से निकाल लेना है, ये कभी कभी चिपक जाता है, इसलिए हमें इसे स्क्रैच करके निकालना पड़ता है। ये रही हमारी इंस्टेंट इडली, बनकर तैयार है बिल्कुल। तो दोस्तों, जब आपके पास टाइम नहीं हो, आप जल्दी में हो, इस तरह से आप सोडा डालकर इंस्टेंट इडली बनाइए और खाइए, बहुत ही फटाफट बन जाता है। और देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट बना है, बहुत ही अच्छी तरह पक गया ये। अब विदाउट बेकिंग पाउडर बनाएंगे। 10 घंटे के बाद हमारा ये मिक्सचर जो है बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है। देखिए, मैं चम्मच से जब इसे मिक्स कर रही हूँ तो आपको दिख रहा है कितने अच्छे से फर्मेंट हो गया है। इसमें मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप पानी और अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि 10 घंटे तक मैंने इसे रखा था, अभी गर्मी का मौसम है तो ये थोड़ा ड्राई हो गया था। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बिल्कुल पहले वाले स्टेप की तरह ही हम फिर से इडली के फ्रेम में इसे डालते हैं। अब हम फ्रेम को सेट कर लेते हैं। अब फिर से हमें उसी तरह से 1.5 गिलास पानी डालकर गर्म करना है और फिर फ्रेम को डालकर अच्छे से बंद कर देना है। हमने इसे 13 मिनट के लिए पका लिया और देखिए, ये तैयार हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, बिना बेकिंग पाउडर के इडली तैयार है। देखिए, ये जो छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं आपको, ये बताता है कि इडली बहुत ही सॉफ्ट बनी है। हम इसे चटनी के साथ या सांबर के साथ सर्व करते हैं।
तो दोस्तों ये सॉफ्ट इडली कैसा लगा आपको? पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं मिलते रहूँगी आपसे नए वीडियो के साथ। चलिए तब तक के लिए हेल्दी लाइफ एंड ब्यूटीफुल लाइफ। बाय बाय।